आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पाई चार्ट, द टेबल शोज द कलर प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पाई चार्ट पर इंफॉर्मेशन यहां पर है, क्या दिया है, ब्लू कलर इज 18%, ग्रीन इज 9%, रेड इज 6%, येलो इज 3%, टोटल इज 36। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट मीन्स इट्स अ सर्कल, तो एक सर्कल बनाया हमने लाइक दिस, ठीक है, तो दिस इज द सेंटर। तो सबसे पहले देखो हम ब्लू का करते हैं, तो ब्लू, तो ब्लू में इसने देखो कितना दिया है पर्संस, 18/36 टोटल, तो 18/36 हम इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, कट करेंगे तो वी विल गेट 1/2, तो 1/2 सबसे पहले हम निकालेंगे, एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल इज 360, फिर हम निकालेंगे 360 का 100% परसेंटेज में, हाउ, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका 360 डिग्री निकालेंगे, तो वी कैन से 1/2 ऑफ 360, दैट मीन्स इनटू 360, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो करेक्ट 180 डिग्री हमारा क्या होता है, दैट इज योर ब्लू, दैट मीन्स आपको क्या करना है, यहां से यहां तक दिस साइड इज योर ब्लू, ठीक है, 180 डिग्री हो गया। अब हम निकालेंगे इसको इन परसेंटेज, दैट मीन्स 100% के अंदर, तो हमको क्या करना है, 1/2 ऑफ 100, तो सेकंड इज 1/2 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 50%, ठीक है, तो ये हो गया ब्लू इज योर 50%। नेक्स्ट ग्रीन, तो अब देखो ग्रीन का भी हम वैसे ही निकालेंगे, ग्रीन, तो ग्रीन में हमारे पास में कितने हैं, 9, और टोटल कितने हैं 36, तो ये हो गया 9/36, तो इसको कट करोगे यू विल गेट 1/4, तो पहले हम निकालेंगे डिग्री में, है ना, तो इनटू 360, दैट इज इक्वल टू वी कैन से इज 90 डिग्री, तो अब आपको 90 डिग्री बनाना है फ्रॉम दिस लाइन, तो 90 डिग्री हमारा कैसे बनेगा, लाइक दिस, तो दिस इज 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या है, ग्रीन। अब हम निकालेंगे इसको परसेंटेज में, तो क्या करना है, 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 25%, तो यहां पर हम लिख देंगे 25%, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, रेड है ना, तो रेड, तो रेड में हमारे पास में कितने हैं, 6, टोटल इज 36, तो अब हम लिखेंगे इसको 6/36, तो ये आ जाएगा हमारा 1/6, तो पहले हम निकालेंगे उसको डिग्री में, तो इनटू 360 डिग्री, तो कट करेंगे यू विल गेट 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमारा यहां से कहां पर होता है, यहां पर, तो दिस इज योर 60 डिग्री, ये आपका है रेड, और बाकी क्या बचा आपका, येलो, ठीक है,
तो अब हम इसको निकालते हैं इन परसेंटेज, तो क्या हो गया 1/6 × 100, तो 1/6 × 100 तो दैट इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये हो गया 3, ये हो गया 50। अब 50 और 3 को डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है, देखो 1 × 20, 20 मीन्स 6 times, फिर कितना बच गया 2, तो 2 इज द रिमाइंडर एंड डिवाइडेड बाय 3, तो 16 × 2/3%, तो ये आपका आ गया 16 × 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट इज योर येलो, तो येलो कितना है हमारा 3/36, तो कितना हो गया 1/12। पहले हम निकालेंगे डिग्रीज, तो इनटू 360, तो ये कितना हो गया हमारा 30 degree, तो दिस इज 30 degree। ठीक है, बनाने के लिए आपको चाहिए इन डिग्री, तो ये आपका 30 degree है। फिर हम निकालेंगे इसका परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा हमारा 1/12 × 100, तो 4 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 25, तो 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो 8 times is 24, है ना, कितना बचा 1, तो 1/3%, तो 8 1/3, तो यहां पर आपका आ जाएगा 8 1/3%। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका पाई चार्ट बनाना है।